एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एसडी कॉलेज प्रशासन के खिलाफ अर्धनग्न प्रदर्शन कर जताया आक्रोश। छात्र संघ चुनाव नामांकन प्रक्रिया में लगाया मिलीभगत का आरोप। तैतीस सूत्री मांगों को लेकर सेवारत चिकित्सकों ने शुरू किया कार्य बहिष्कार आंदोलन। राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय के चिकित्सकों ने 2 घंटे तक किया कार्य का बहिष्कार। अवैध खनन के खिलाफ आरपीएस गीता चौधरी ने की छापामार कार्यवाही। एक अवैध खननकर्ता सहित भारी मात्रा में जब्त किए संसाधन। और गणेश चतुर्थी महोत्सव मेले में झांकियों को देखने उमड़े श्रद्धालु। देर रात तक चले मेले में गूंजता रहा देवा ओ देवा गणपति देवा। नमस्कार, जिसका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। सीधा खबरों की ओर बढ़ते हैं। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के आह्वान पर शनिवार से राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय के सभी चिकित्सकों ने 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया। संघ ने प्रदेश भर में 26 से 30 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे कार्य का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इसके बाद भी अगर डॉक्टरों की मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। एकेएच के डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ की ओर से 33 सूत्री मांगों का श्वेत पत्र जारी किया गया है। श्वेत पत्र जारी करने के साथ ही सरकार को चेतावनी भी दी गई कि चिकित्सा मंत्री के आश्वासन के अनुरूप मांगों का समाधान नहीं होने के कारण शनिवार से 30 अगस्त तक 2 घंटे कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। इसके बाद भी डॉक्टरों की मांगों पर विचार नहीं किया गया तो डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। डॉक्टरों द्वारा शनिवार से सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कार्य बहिष्कार किए जाने के फलस्वरूप मौसमी बीमारियों के मरीजों की भीड़ को देखते हुए डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से शुरू की गई आपातकालीन व्यवस्था सुचारू रखने के तहत इमरजेंसी में रहने वाले डॉक्टर्स ने मरीजों की जाँच की। चिकित्सकों के 2 घंटे कार्य बहिष्कार के दौरान मरीजों को इंतजार भी करना पड़ा। कांग्रेस सेवादल की ओर से शनिवार को लॉयंस गार्डन में सेवादल के संस्थापक नारायण राव सुब्बाराव हार्डिकर की 42वें पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवादल सदस्यों और कांग्रेस जनों ने भाग लिया। इस मौके पर उपस्थित सभी हार्डिकर के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पुण्यतिथि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी वक्ताओं ने कहा कि नारायण राव सुब्बाराव हार्डिकर के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है और हमें उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उनके अधूरे सपने को साकार करना होगा। वक्ताओं ने कहा कि हार्डिकर द्वारा स्थापित कांग्रेस सेवा दल आज भी कांग्रेस पार्टी का अग्रणी संगठन है और इसके सदस्य पार्टी की मजबूती के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहे हैं। पुण्यतिथि कार्यक्रम में मुख्य संगठक सीपी शर्मा, बीआर सेन, पप्पू पहलवान, रामदीन पंडित, कारामात हुसैन, श्रीमती गंगा रावत, मेघराज बोहरा, रामेश्वर मेवाड़ा, कल्पना भटनागर, सोहन मेवाड़ा, रामलाल लखन, रामदीप पंडित और देवकरण शर्मा सहित अन्य सेवा दल कार्यकर्ता उपस्थित थे। आपको शायद जानकारी तो होगी क्योंकि आप सेवा दल के सभी बहुत पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। हार्डिकर जी ने कांग्रेस सेवा दल की स्थापना इस देश की जनता की सेवा के लिए, इस कांग्रेस पार्टी की सेवा के लिए और कांग्रेस पार्टी को बेटर बेस संगठन बनाते हुए इसकी स्थापना की थी। कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस का एक कैडर बेस संगठन है, अग्रिम संगठन है, जिसका मुख्य दायित्व कांग्रेस को रीढ़ की हड्डी की तरह संभालना है और इसको कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी ही कहा जाता है। साथियों, सेवा दल केवल दरी उठाना, सैल्यूट मारना या पार्टियों में व्यवस्था करने के लिए नहीं है। सेवा दल को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है, वो इस संगठन में रीढ़ की हड्डी की तरह काम करेगा और इस संगठन के ढांचे को बनाए रखेगा। लायन क्लब ब्यावर स्टार की ओर से सेवा कार्यों का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर क्लब की ओर से सेवा सहायता और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं।
सेवा कार्यों की इसी कड़ी में क्लब की ओर से अजमेर रोड बाईपास पर सदर थाने के पीछे खुले आसमान में रहने वाले खानाबदोश परिवार के लिए बरसात से बचने के लिए तिरपाल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्लब सदस्यों ने यहां पर निवास करने वाले परिवार को तिरपाल वितरित किए। क्लब सदस्यों ने बताया कि खुले आसमान के तले रहने वाले इन परिवारों को बरसात के समय भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। क्लब सदस्यों ने इन परिवारों की स्थिति को देखते हुए तिरपाल वितरण का निर्णय लिया। इसी निर्णय के चलते उक्त कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। सेवा कार्य के दौरान धर्मेंद्र सिंघल, विजय सर्राफ, अमित अरोड़ा, अमित बंसल और श्याम सिंघल आदि उपस्थित थे। राज्य के चांदमल मोदी आयुर्वेदिक औषधालय में शनिवार को हिमालय ड्रग्स की ओर से एक दिवसीय निःशुल्क हड्डी घनत्व और जोड़ जांच शिविर का आयोजन किया गया। हिमाचल ड्रग्स कंपनी के पर्यावरण प्रतिनिधि रूपचंद ने बताया कि शिविर में रितेश कुमार ने बीएमडी मशीन से हड्डी घनत्व व जोड़ रोगों की जांच की। शिविर में बड़ी संख्या में 30 साल की उम्र से अधिक के महिला और पुरुषों ने भाग लेकर जाँच करवाई। रूपचंद ने बताया कि 30 साल की उम्र के बाद आम आदमी में कैल्शियम की कमी पैदा हो जाती है, जिसके कारण हड्डी रोग और जोड़ों की दर्द की संभावनाएं बढ़ जाती है। कम होते हड्डी के घनत्व के कारण और बढ़ती उम्र में उठने बैठने और चलने फिरने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कंपनी के जनरल सेल्स मैनेजर उमेश अग्रवाल ने बताया कि बीएमडी मशीन से की गई जांच से हड्डियों के घनत्व की सही जानकारी मिल जाती है। जानकारी के आधार पर चिकित्सकीय परामर्श से कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सकता है। मालूम हो कि हिमालय ड्रग्स कंपनी की ओर से सामाजिक सरोकार के तहत समय समय पर विभिन्न प्रकार के रोग जांच शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें आमजन को विभिन्न प्रकार की जांचें और दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की समय समय पर होने वाली स्वास्थ्य जांच के दौरान हायर सेंटर योग्य जांच के लिए चिन्हित किए जाने वाले विद्यार्थियों की जांच कार्यक्रम के तहत शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लुटियाना के 20 विद्यार्थी राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचे। स्कूल के शारीरिक शिक्षक राजेंद्र परमार के साथ चिकित्सालय पहुंचे सभी 20 विद्यार्थियों का अस्पताल के चर्म रोग, दंत रोग, नेत्र रोग सहित मेडिकल विभाग में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। चिकित्सालय के चिकित्सकों ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उन्हें आवश्यक परामर्श और दवाइयां उपलब्ध करवाई। राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में चिकित्सकों की आपसी खींचतान का खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। आपसी खींचतान के संबंधित चिकित्सक के अवकाश पर होने पर डॉक्टर एक दूसरे की यूनिट के मरीजों को रेफर कर देते हैं या फिर उन्हें छुट्टी दे देते हैं, जिससे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही वाक्या एकेएच के फीमेल मेडिकल वार्ड में घटित हुआ। मामला विधायक तक पहुंचा तो उन्होंने संबंधित चिकित्सक से फोन पर बात कर रोगियों को पुनः भर्ती कर उनका उपचार करने के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार बड़ाखेड़ा निवासी कवरी देवी पत्नी बाबूलाल और जगपुरा देवाता निवासी सीता पत्नी भैरव सिंह को पसलियों में दर्द की शिकायत पर डॉक्टर प्रमोद सक्सेना ने 24 अगस्त को अपनी यूनिट में भर्ती किया था। 25 अगस्त को डॉक्टर सक्सेना के अवकाश पर होने पर ड्यूटी पर आए चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद पोरवाल ने दोनों महिला मरीजों को यह कहते हुए रेफर कर दिया कि उनका यहां पर कोई इलाज नहीं होगा। डॉक्टर पोरवाल ने कवरी देवी को अजमेर में डॉक्टर नीरज गुप्ता को दिखाने की सलाह देते हुए छुट्टी दे दी। ऐसा ही उन्होंने सीता देवी के साथ भी किया। डॉक्टर पोरवाल द्वारा छुट्टी देने के बाद कवरी देवी, जो कि विधायक शंकर सिंह रावत की दूर की रिश्तेदार बताई जा रही है, इस पर विधायक रावत ने डॉक्टर प्रमोद सक्सेना से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वे तो अवकाश पर हैं और इन दोनों का उपचार करने के लिए ही उन्हें भर्ती करवाया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। तब विधायक ने दोनों महिला रोगियों को फिर से भर्ती कर उनका उपचार करने की बात कही। विधायक रावत के हस्तक्षेप के बाद दोनों को एकेएच में पुनः भर्ती कर उनका उपचार शुरू किया गया। मालूम हो कि इससे पूर्व भी चिकित्सकों की आपसी खींचतान के चलते मरीजों की जान पर बन आई और एक मामले में तो प्रसूता की मौत तक हो गई। उसके बाद परिजनों की ओर से हंगामा करने और विधायक रावत द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने के बाद भी स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। प्रशिक्षु आरपीएस गीता चौधरी ने कानाखेड़ा ग्राम पंचायत के जंगलों में अवैध रूप से संचालित की जा रही खनन खानों पर छापामार कार्यवाही करते हुए खनन के काम में आने वाले संसाधनों सहित एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरपीएस चौधरी की ओर से अचानक की गई इस कार्यवाही से अवैध खननकर्ताओं में हड़कंप मच गया। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने खनन के काम आने वाले 4 डंपर, 5 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी मशीनें और 1 ड्रिलिंग मशीन जब्त की है। साथ ही खान पर अवैध रूप से खनन कार्य करते हुए एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर थाने भिजवाया। मालूम हो कि अजमेर जिले के खरवा क्षेत्र के कानाखेड़ा गांव के जंगलों में वर्षों से अवैध रूप से खनन कार्य जारी है, जहां पर खनन करने वाले लोग सरकार को हर तरफ से राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं
ओवरलोडिंग, बिना रवन्ना और बिना टैक्स चुकाए यह अवैध खननकर्ता लाखों को वारे न्यारे कर रहे हैं। प्रशिक्षु आरपीएस गीता चौधरी ने लंबे समय से इस प्रकार की जानकारी मिल रही थी, इस पर चलते उन्होंने शनिवार को सदर और सिटी थाने के जाब्ते के साथ कानाखेड़ा के जंगलों में छापामार कार्यवाही को अंजाम दिया। इस दौरान सिटी थानाधिकारी यशवंत यादव और सदर थानाधिकारी सहदेव चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। उधर पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शहर के अजमेर रोड पर भी पुलिस की विशेष चौकसी बढ़ा दी है। सदर थाना क्षेत्र में जो है काफ़ी दिनों से खनन के बारे में अवैध खनन की जो शिकायतें हैं एसपी सर के पास पहुंच रही थी, उनके निर्देशन में संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसके अंदर स्पेशल टीम एसएचओ सदर, एसएचओ सिटी और सीओ ऑफिस के सदस्य थे, जिसमें गोपाल सागर और लहरी गांव में जो है अवैध खनन करते हुए पाए गए लोगों को पकड़ा गया, जिसके अंतर्गत जेसीबी है और जो डंपर है और ट्रैक्टर है और कंप्रेशर ट्रैक्टर आदि को जब्त किया गया है और माइनर विभाग के जो है वो मौके पर बुला करके कार्रवाई की जा रही है। शहर के नरसिंहपुरा स्थित मुंशी कॉलोनी में जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण क्षेत्र में पेयजल वितरण के दौरान सैकड़ों गैलन पानी बहकर सड़क पर फैल जाता है, जिससे क्षेत्र में हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि इस बाबत जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कई बार अवगत करवा दिया गया है, लेकिन आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि मुंशी कॉलोनी में पेयजल सप्लाई के लिए डाली गई लोहे की पाइपलाइन पुरानी होने के कारण जगह जगह से फूट गई है। पेयजल वितरण के दौरान जगह जगह से फूटी लाइन पानी बहता रहता है, जिसके कारण और क्षेत्र में पानी बहुत कम प्रेशर से भी मिलता है। यही कारण है कि जगह जगह पानी फैलने से कीचड़ की समस्या व्याप्त है। क्षेत्रवासियों ने उक्त क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को बदलकर नई पाइपलाइन डलवाने की मांग की है। कॉलेज छात्र संगठन चुनाव 2017-18 की स्थानीय राजकीय सनातन धर्म कॉलेज में संपन्न होने वाले चुनावों को लेकर प्रत्याशियों द्वारा नामांकन वापस लेने का मामला तूल पकड़ रहा है। शनिवार को एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने एसडी कॉलेज के मुख्य द्वार पर महाविद्यालय प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए अर्धनग्न प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे पदाधिकारियों का आरोप है कि जब नामांकन प्रक्रिया के दौरान एनएसयूआई प्रत्याशियों को चारों पदों के उम्मीदवारों के नामांकन खारिज हो गए तो केवल संयुक्त सचिव पद पर ही चुनाव क्यों करवाया जा रहा है, अगर चुनाव ही करवाना है तो फिर चारों पदों पर करवाया जाए। पदाधिकारियों ने बताया कि जब एनएसयूआई ने नैतिक के आधार पर संयुक्त सचिव पद पर भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया, फिर भी महाविद्यालय प्रशासन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए संयुक्त सचिव पद पर चुनाव करवाकर फिजूल खर्च बढ़ा रही है। प्रदर्शन कर रहे पदाधिकारी खारिज हुए नामांकन पत्रों को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। मालूम हो कि शुक्रवार को भी पदाधिकारियों ने इस प्रकरण को लेकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपकर कॉलेज प्रबंधन पर विधि विरुद्ध फर्म जबरन बिना किसी विधिक कर्मी के खारिज करने का आरोप लगाया था। शनिवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान अर्जुन डूडी, हनीफ काठात, भूपेंद्र पाल पवार, अशोक विश्नोई, नीरज यादव, कमलेश नैनीवाल और कई अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। उधर इस संदर्भ में युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि एसडी कॉलेज में घटित घटनाक्रम को लेकर युवक कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों की 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त कमेटी संपूर्ण प्रकरण की जांच कर 3 दिन में अपनी जांच अध्यक्ष को सौंपेगी। समिति में पार्षद राहुल चतुर्वेदी, रहमत काठात, टीकम कड़ीवाल और मुकेश लखन को शामिल किया गया है। एसडी महाविद्यालय प्राचार्य कक्ष में शनिवार को प्राचार्य एएस पवार की उपस्थिति में आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर परिषद आयुक्त डॉ. दिनेश राय सापेला, सार्वजनिक निर्माण विभाग के एसएस सलूजा और अभिषेक शर्मा मौजूद थे। बैठक में महाविद्यालय परिसर की साफ सफाई और जीर्ण क्षीण भवनों की मरम्मत कार्य पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में महाविद्यालय परिसर में साफ सफाई का जिम्मा नगर परिषद प्रशासन और जीर्ण क्षीण भवनों की मरम्मत का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से करवाए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक के पश्चात उपस्थित अधिकारियों ने महाविद्यालय परिसर का अवलोकन भी किया। इस दौरान महाविद्यालय से अरुणा गुप्ता और डॉक्टर आरसी लोढ़ा भी उपस्थित थे। श्रीमान एससी हमारे एससी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अविनाश जी शर्मा साहब अजमेर से पधारे और महाविद्यालय की नैक की विजिट के संदर्भ में भी आपसे विस्तृत विचार विमर्श हुआ और विकास के लिए विभिन्न सुझावों को हमने आपके समक्ष रखा। उसमें नवीन विकास से संबंधित कार्यों के साथ महाविद्यालय में विभिन्न प्रयोगशालाओं और महाविद्यालय के सम्मुख भाग को
सुधारने के लिए भी आपके सुझाव सराहनीय रहे। इसी अनुसार महाविद्यालय प्रशासन भी नैक में विजिट के संदर्भ में अधिक उसको सक्षम बनाने, उपयोगी बनाने और अच्छी ग्रेड प्राप्त करने के लिए भी आपके सुझावों को मान्य समझा गया एवं आपसे अनुरोध भी किया गया कि हमारा मेन रोड से कॉलेज के गेट तक रोड का कंस्ट्रक्शन भी अगर हो जाता है तो ये अप्रोच रोड महाविद्यालय के विकास में बहुत भूमिका निभाएगी। सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में निर्विरोध रूप से चुने गए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ पदाधिकारियों का शनिवार को विधायक कार्यालय पर स्वागत और अभिनंदन किया गया। चंद्रा रोड स्थित विधायक कार्यालय पर आयोजित स्वागत समारोह में विधायक शंकर सिंह रावत ने छात्र संघ अध्यक्ष आदर्श बाबेल, उपाध्यक्ष करण चौधरी और महासचिव किशोर कुमार का माला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत के दौरान विधायक रावत ने महाविद्यालय छात्र संघ चुनावों में निर्विरोध जीत दर्ज करने पर बधाई देते हुए अपने इस साल के कार्यकाल में छात्र हितों के लिए काम करने और विद्यार्थियों की प्रमुख समस्याओं के समाधान में सकारात्मक भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नरेश कनौजिया ने महाविद्यालय में सेक्शन बढ़ाने की मांग भी दोहराई। गणेश चतुर्थी पर्व पर शहर के नगर परिषद मार्ग पर श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव समिति डिगी महादेव मंदिर की ओर से मेले का आयोजन किया गया। मेले के दौरान विभिन्न देवी देवताओं के साथ अन्य आकर्षक झांकियां सजाई गई। इस मौके पर श्री डिगी महादेव मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। शाम को 8 बजे से शुरू हुए मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर झांकियों के दर्शन किए। मेले के दौरान समिति की ओर से सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए। देर रात तक चले मेले के दौरान शहर की महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। इसी प्रकार शहर के फतेहपुरिया चौपड़ पर स्थित सार्थ गणपति मंदिर और प्रसन्न गणपति मंदिर में भी झांकियां सजाई गई। इसी प्रकार आदर्श नगर गली संख्या 3 में भी श्रवण कुमार बंसल के घर पर गणेश स्थापना की गई। क्षेत्र के समस्त निवासियों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पंडित जी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मूर्ति स्थापना करवाई। इस दौरान अनिल सराफ, मुकेश सराफ, अनिल फतेहपुरिया, लोकेश बंसल, प्रेम प्रकाश मुंदड़ा, गोविंद उपाध्याय, सुरेश उपाध्याय, मोहित गर्ग, अन्य क्षेत्रवासी और महिला भी उपस्थित थी। निकटवर्ती ग्राम अंधेरी देवरी में तेजा मेले के अवसर पर 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कबड्डी के मैच में लसाड़िया और वॉलीबॉल में श्री सीमेंट की टीम ने मैच जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। खेल प्रभारी दिलीप टाक ने बताया कि 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन 24 अगस्त को ग्राम पंचायत भवन पर किया गया। इसके पश्चात आयोजित प्रतियोगिता में वॉलीबॉल का फाइनल मैच श्री सीमेंट बनाम आसिंध की टीम के बीच खेला गया, जिसमें श्री सीमेंट की टीम ने मैच जीता। इसी प्रकार कबड्डी का पहला सेमीफाइनल मैच लसाड़िया बनाम शिवनगरी और फाइनल मैच लसाड़िया बनाम जमालपुरा के बीच खेला गया, जिसमें लसाड़िया टीम ने जीत दर्ज की। खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह के मुख्य अतिथि गणपत सिंह मुनीम और पप्पू काठात थे। समापन समारोह में पूर्व सरपंच जगदीश सिंह रावत ने सभी विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इसी प्रकार तेजा मेले के अवसर पर आयोजित रात्रि जागरण में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के युवा नेता बबर सिंह पलाड़ा सहित अन्य उपस्थित थे। उपखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटित होने वाली दुर्घटनाओं में हताहतों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ब्यावर सिटी थाने को एक और 108 एम्बुलेंस की सौगात मिली है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जयपुर से ब्यावर पहुंची 108 एम्बुलेंस का शनिवार को उद्घाटन किया गया। सिटी थाने में आयोजित एक समारोह में विधायक शंकर सिंह रावत ने फीटा काटकर एम्बुलेंस को आमजन के लिए समर्पित किया।
इस दौरान नगर परिषद सभापति श्रीमती बबीता चौहान, उपसभापति सुनील मुंदड़ा, मंडलाध्यक्ष जयकिशन बल्दुआ, पार्षद ईश्वर तंवर, मंगत सिंह मोनू, रविंद्र जॉय और भाजपा नेता नरेंद्र चौहान सहित थानाधिकारी यशवंत यादव और थाना स्टाफ भी मौजूद था। मालूम हो कि शहर को पूर्व में मिली एम्बुलेंस कंडम हो चुकी थी और उसके स्थान पर बड़ाखेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की 108 एम्बुलेंस ब्यावर में चल रही थी। शनिवार को ब्यावर में आई एक और एम्बुलेंस के बाद ब्यावर शहर में कुल दो 108 एम्बुलेंस हो गई है। मसूदा के निकटवर्ती ग्राम देवमाली में भाद्रपद सप्तमी के मौके पर आयोजित होने वाले भगवान देवनारायण के मेले में भाग लेने के लिए शनिवार को जोधपुर से पैदल यात्रियों का एक जत्था ब्यावर पहुंचा। जोधपुर स्थित केके कॉलोनी से 22 अगस्त को रवाना हुए जत्थे में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु के साथ साथ युवा भी शामिल थे। पैदल यात्री डीजे पर चल रहे मारवाड़ी गीतों और भजनों पर नाचते गाते हुए चल रहे थे। पैदल यात्रा में शामिल पैदल यात्री शिवकरण ने बताया कि वे हर साल देवनारायण भगवान के दरबार में दर्शन के लिए आते हैं। इस बार वे सातवीं पैदल यात्रा लेकर देवमाली जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे 27 अगस्त को देवमाली पहुंचकर देवनारायण के दरबार में ध्वजा चढ़ाएंगे और उनका दर्शन कर प्रसाद लेंगे। टाटगढ़ रोड स्थित ब्रह्मानंद धाम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दौरान सत्यानंद महाराज ने कहा कि जिसे बाहर की चीज का वैराग्य हो जाता है उसके भीतर योग की साधना पूरी हो जाती है। संत ने कहा कि शरीर संपत्ति संबंधी तीन सदस्य हैं। शरीर से अहंकार होता है, संपत्ति संबंधी से ममता मोह आता है। इनका त्याग करने पर जीव आनंद की प्राप्ति करता है। उन्होंने कहा कि सत्य दिखाई देता है लेकिन असत्य दिखाई नहीं देता। जीवन का आनंद ही महापर्व कहलाता है। संत ने कहा कि मनुष्य को अपने सौंदर्य पर गर्व नहीं करना चाहिए। कथा के दौरान शनिवार को कथावाचक संत सत्यानंद महाराज ने गोकर्ण और दुधली प्रकरण का वर्णन भी किया। इस दौरान संत ने मुझे चरणों से लगा लो श्याम मुरली वाले भजन सुनाकर उपस्थित श्रद्धालुओं को भावविभोर किया। कथा के दौरान शनिवार को अध्यक्ष गणपत सराफ, नरेंद्र झवर, बालकिशन गुप्ता, गोविंद अग्रवाल, डॉक्टर के मिश्रा, मुकुट गोयल, गोपाल लाटा, बाबूलाल जोशी सहित अन्य ने महाराज का माला पहनाकर स्वागत किया। आगे बढ़ते हैं। रसोई की शान होने के साथ साथ हल्दी कई चमत्कारिक औषधीय गुणों से भरपूर है। आयुर्वेद में तो हल्दी को बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि हल्दी गुमचोट के इलाज में सहायक है, साथ ही कफ खांसी सहित अनेक बीमारियों के इलाज में काम आती है। इसके अलावा हल्दी सौंदर्यवर्धक भी मानी जाती है। आइए देखते हैं हल्दी के खास गुण। एक चमत्कारी औषधि जो आपको आरोग्यवान बनाएगी, एक पूजन सामग्री जो आपको संपन्न बनाएगी, नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाएगी हल्दी, आपके बृहस्पति को मजबूत बनाएगी हल्दी। ज्योतिष के जानकारों की माने तो गुणों की खान है हल्दी। हल्दी खाने का स्वाद तो बढ़ाती ही है, साथ में हर मंगल काम की शोभा भी बढ़ाती है। हल्दी का पीला रंग उसे बृहस्पति से जोड़ता है, इसलिए ज्योतिष के जानकार कुंडली के बृहस्पति को मजबूत करने के लिए हल्दी का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम आपको चमत्कारी हल्दी का महत्व समझाते हैं। हल्दी एक विशेष प्रकार की औषधि है जिसमें दैवीय गुण भी होते हैं। हिंदू धर्म में हल्दी को शुभ और मंगलकारी माना गया है। भोजन में स्वाद के साथ जीवन में संपन्नता भी लाती है हल्दी। हल्दी मुख्य रूप से विषरोधक होती है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है, इसलिए हल्दी का प्रयोग हवन और औषधियों में भी किया जाता है। ज्योतिष के जानकारों के माने तो हल्दी के प्रयोग से ग्रहों की तमाम समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। खास तौर पर बृहस्पति से जुड़ी हर समस्या का समाधान कर सकती है हल्दी। तो आइए जानते हैं ज्योतिष में हल्दी क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। हल्दी कई रंगों की होती है और इन्हीं रंगों के आधार पर इसका ग्रहों से संबंध होता है। हल्दी पीले, नारंगी और काले रंग की होती है। पीली हल्दी बृहस्पति से संबंध रखती है, नारंगी हल्दी मंगल से
और काली हल्दी शनि से संबंध रखती है। ज्योतिष में बृहस्पति को मजबूत करने के लिए हल्दी का प्रयोग होता है। बृहस्पति से जुड़ी समस्याओं के हल के लिए पीली हल्दी का प्रयोग करते हैं। हल्दी के बिना भोजन पूरा नहीं होता, हल्दी के बिना कोई शुभ काम भी नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में हल्दी को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? आइए हम आपको हल्दी के और भी लाभकारी प्रयोगों के बारे में बताते हैं। भोजन में संतुलित मात्रा में हल्दी का प्रयोग आरोग्यवान बनाता है। सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करने से शादी की हर बाधा दूर होती है। अगर पेट या कैंसर जैसी समस्या हो तो हल्दी का दान करना लाभकारी होता है। रोज सुबह हल्दी का तिलक लगाने से वाणी की शक्ति मिलती है। हल्दी की माला से मंत्र जाप इंसान को बुद्धिमान और ज्ञानी बनाता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है और आपके जीवन में समस्याएं बढ़ा रहा है तो हल्दी के ज्योतिषीय प्रयोग से आप अपने बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं। कैसे, खुद ही देख लीजिए। गांठ वाली पीली हल्दी को पीले धागे में बांधकर गले या बाजू में पहने। ये पीले पुखराज की तरह काम करता है और बृहस्पति को मजबूत करता है। बृहस्पतिवार को सुबह हल्दी धारण करना उत्तम होगा। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक अगर आपकी शादी में लगातार बाधाएं आ रही हैं, किसी वजह से रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है तो हल्दी के इस प्रयोग से जल्दी ही आपकी शादी का प्रयास सफल होगा। नहाने वाले पानी में थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी मिलाएं। रोज सुबह सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के बाद लोटे के किनारों पर लगी हल्दी को माथे और कंठ पर लगाएं। ये प्रयोग लगातार एक माह तक करें। तो देखा आपने कितनी गुणी और चमत्कारी है हल्दी। अगर आपकी जिंदगी में बृहस्पति से जुड़ी कोई भी समस्या है तो इन उपायों को आजमाएं। दैवीय गुणों वाली हल्दी के प्रयोग से आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव आएगा। आपके जीवन में सब कुछ होगा शुभ और मंगल। अब नहीं सताएगा अमंगल होने का डर। बनने लगेंगे आपके सारे काम। मिलेगा आरोग्य का वरदान। क्योंकि आपके जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देगी हल्दी। फिर आपके किसी भी काम में कोई बाधा नहीं आएगी। ज्योतिष के जानकारों के माने तो हल्दी के विशेष प्रयोग से सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। कैसे, आइए जानते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए हल्दी का प्रयोग शुभ होता है। मांगलिक कार्यों में हल्दी के प्रयोग से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रोका जाता है। हल्दी लगाकर स्नान करने से इंसान का तेज बढ़ता है। हल्दी लगाकर स्नान करने से इंसान पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता। हल्दी के चमत्कारी गुणों के बारे में तो आपने जान ही लिया, तो अब देर किस बात की। इन अनोखे उपायों को अपने जीवन में शामिल कीजिए। नकारात्मक शक्तियां खुद ब खुद भाग जाएंगी। तो ये थे हल्दी के खास गुण, और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको साप्ताहिक टॉप 10 बुलेटिन। सत्यम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ब्यावर शहर का एकमात्र संस्थान, जहां डिप्लोमा पॉलिटेक्निक आईटीआई इलेक्ट्रिशियन बीएससी गणित व स्कूल एक ही कैंपस में संचालित है। क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों से लगातार सफल इंजीनियर देने में अग्रणी संस्थान, जिसमें विशाल एवं सुसज्जित कैंपस, सुव्यवस्थित कक्षाएं, आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, उच्च प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक, अच्छे नियोजन। संस्थान के विद्यार्थी सरकारी विभाग जिंदल, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, अडानी सोलर पावर, लिप्योर, बजाज, एडीसीसी आदि विभिन्न कंपनी में कार्यरत
समय समय पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोर्स अध्ययन के साथ साथ छात्र विकास हेतु वर्ष भर खेलकूद कार्यक्रम, SC/ST/OBC+BPL छात्रों को छात्रवृत्ति सुविधा, 24 घंटे इंटरनेट, बिजली एवं शुद्ध जल की सुविधा, उत्तम हॉस्टल सुविधा। तो एडमिशन लेने के लिए जल्द ही संपर्क करें ग्राम सनवा उदयपुर रोड ब्यावर, मोबाइल नंबर 8104097500941334450। जय राम जी की सर। आ दुनिया नई नवेली, व्यापार हो गया नया नया, भाग दौड़ में दुनिया लगी, सबने चावे पया 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 पया। हाँ, पया कोई खेल है? अगर जिंदगी में चैन से जीनो है तो दो पैसा जरूरी है। अरे पैसा खातिर कोई फैक्ट्री खोले, लंबा चौड़ा शोरूम लगावे, दुकाना खोले, व्यापार करे, और पैसों नहीं होवे तो? अरे नहीं होवे तो टेंशन नहीं लेनी। अरे पैसों कोनी तो हुनर तो है नहीं? हाँ, हुनर से याद आयो, इलेक्ट्रीशियन या डीजल मैकेनिक? अरे भाई, अपना 10वीं पास बच्चा ने भाग्यश्री प्राइवेट ITI में भर्ती करवाओ और साल दो साल में हुनरमंद बनवाओ, फिर देखो क्या उनको बढ़िया प्राइवेट कंपनी में या फिर सरकारी विभाग में नौकरी लागे। फिर तो बस कमाओ और खाओ। आओ भाग्यश्री प्राइवेट ITI कॉलेज आपके लिए लेकर आए हैं शानदार कोर्स, जो दिलवाएंगे आपको रोजगार के सुनहरे अवसर। 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए शानदार मौका, डीजल मैकेनिकल का 1 वर्षीय कोर्स कीजिए और भारतीय रेलवे, रक्षा विभाग के तकनीकी सेल, हीरो, होंडा, बजाज, टाटा, रिलायंस, सीमेंट प्लांट्स जैसे बड़े उपक्रमों में नौकरी पाइए। साथ ही 10वीं पास विद्यार्थी कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन का 2 वर्ष का कोर्स और सरकारी विभागों सहित देश के प्रमुख प्राइवेट संस्थानों में कार्य करने की पा सकते हैं योग्यता। सभी कोर्सेज ट्रेंड फैकल्टीज द्वारा प्रैक्टिकल अनुभव के साथ। SC/ST छात्रों को छात्रवृत्ति की विशेष सुविधा और तौर भाग्यश्री प्राइवेट ITI कॉलेज में फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स व एम्प्लॉय एबिलिटी डेवलपमेंट कोर्स के साथ साथ कंप्यूटर बेसिक कोर्स भी। अपना भविष्य व सीट आज ही सुरक्षित कीजिए। चले आइए भाग्यश्री ITI कॉलेज, शिवनाथपुरा ब्यावर, मोबाइल नंबर 9928656873। तो आज ही हो जाओ टेंशन फ्री, आ जाओ भाग्यश्री। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं वो खबरें जो इस सप्ताह सुर्खियों में रही। शहर के वार्ड संख्या 32 के फतेहपुर अद्वितीय के निवासियों ने सोमवार को विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता को ज्ञापन देकर क्षेत्र में कम वोल्टेज में विद्युत सप्लाई होने की शिकायत देते हुए क्षेत्र में विद्युत सप्लाई सुचारू करवाने की मांग की। सहायक अभियंता को दिए गए ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने बताया कि फतेहपुर अद्वितीय में बहुत कम वोल्टेज से विद्युत सप्लाई होने के कारण अधिकतर समय विद्युत गुल रहती है। क्षेत्रवासियों ने ज्ञापन के माध्यम से क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को सुचारू करवाने की मांग की है।
श्रम कल्याण आयुक्त भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय अजमेर के तत्वावधान में बीडी श्रमिक चिकित्सालय की ओर से भारत छोड़ो आंदोलन के 75वीं वर्ष घाट पर बुधवार को तिरंगा रैली निकाली गई। शहर के चंद्रा रोड स्थित बीडी श्रमिक चिकित्सालय शुरू हुई तिरंगा रैली को चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीएल डांगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में बीडी श्रमिक महिलाओं ने भाग लिया। रैली के दौरान महिलाओं ने सन 2022 तक नए भारत निर्माण के लिए स्वच्छ भारत, गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, सांप्रदायवाद और जातिवाद मुक्त भारत का संकल्प लिया। आगामी 29 अगस्त को प्रधानमंत्री के उदयपुर आगमन के दौरान ब्यावर विधानसभा क्षेत्र से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को भारतीय जनता पार्टी मंडल का बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उपस्थित बूथ विस्तारकों को आगामी 29 अगस्त को उदयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी दी गई और उपस्थित विस्तारकों से उक्त आयोजन में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति दर्ज करवाना सुनिश्चित करने के लिए विचार विमर्श भी किया गया। इसी दौरान उदयपुर जाने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम भी तैयार किया गया। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष शंभुदयाल बड़गुजर और भाजपा सांसद सावलाल जाट को श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ की हड़ताल बुधवार देर शाम को खत्म कर दी गई। इसके बाद गुरुवार को ग्रामीण डाक सेवक काम पर लौट आए। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ ब्यावर मंडल के अध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ ने बताया कि मंगलवार को केंद्रीय संचार मंत्री के साथ संघ के केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई बैठक में कई मुद्दों पर आश्वासन और सहमति बनने के बाद हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी गई। हड़ताल में शामिल सभी डाक सेवक अपने अपने काम पर लौट आए हैं। हड़ताल खत्म होने के बाद गुरुवार को मुख्य डाकघर में डाक छटाई सहित अन्य काम सुचारू कर दिए गए। शहर के जमालपुरा क्षेत्र के निवासियों ने गुरुवार को नगर परिषद सभापति को एक पत्र देकर जमालपुरा क्षेत्र में स्थित एक खान में भरे बरसाती पानी को निकलवाने की व्यवस्था करवाने की मांग की है। नगर परिषद सभापति को दिए गए पत्र में क्षेत्रवासियों ने बताया कि उक्त खान में बरसात का पानी भारी मात्रा में एकत्रित हो गया है। खान में पानी भरने के कारण इसका असर आसपास के मकानों में पड़ रहा है और पानी के कारण मकानों की नींवें भी कमजोर हो रही है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है, इसकी अनहोनी की आशंका के चलते क्षेत्रवासियों ने परिषद प्रशासन से उक्त खान का पानी खाली करवाने की मांग की है। शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित रामसा पीर बाबा रामदेव मंदिर में बुधवार को मेले का आयोजन किया गया। शाम के समय आयोजित मेले में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया। भादवा सुदी दूज के अवसर पर आयोजित होने वाले बाबा रामदेव के मेले के दौरान श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में खीर चूरमे का भोग लगाया और नारियल चढ़ाकर परिवार व शहर की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर शाम के समय मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती के पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। शहर में शुक्रवार को गणेश चतुर्थी पर्व हर्षोल्लास में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शहर के सूरजपुर गेट बाहर स्थित प्रसन्न गणपति मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए पूजा अर्चना के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। गणेश चतुर्थी के दौरान शुक्रवार को अलसुबह से ही श्रद्धालुओं की लाइन प्रसन्न गणपति मंदिर के बाहर लगना शुरू हो गई। हर कोई अपने आराध्य देव भगवान गणेश के दर्शन करने को आतुर दिखाई दिया। मंदिर के पट खुलने के साथ ही शुरू हुई पूजा अर्चना का दौर और श्रद्धालुओं ने भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना कर उन्हें मोदक का भोग लगाकर और धूप आदि भेंट करते हुए परिवार, प्रदेश व देश की खुशहाली की कामना की। गणेश चतुर्थी के मौके पर शहर के कई वार्डों में गणेश स्थापना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर शहर के छापरा मोहल्ला माल्यान चौपड़ पर चौपड़ का सेठ गणेश चतुर्थी महोत्सव का आगाज हुआ। गणेश स्थापना के दौरान बड़ी संख्या में सभी सदस्य और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। महोत्सव के तहत 29 अगस्त को शोभा यात्रा और विसर्जन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षु आरपीएस गीता चौधरी ने शुक्रवार सुबह मुखबिर की सूचना पर सदर थाने के बाहर नाकाबंदी करते हुए 2 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब की 58 पेटियां सहित 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक ट्रेलर गाड़ी भी जब्त की है। आरपीएस गीता चौधरी ने बताया कि उन्हें मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि अजमेर की ओर से एक ट्रेवलर गाड़ी आ रही है, उसमें हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब भरी है और गुजरात ले जाई जा रही है। गीता चौधरी ने बताया कि गाड़ी से पुलिस ने मैकडोवाल की 31, ब्लेंडर प्राइड की 17, रॉयल चैलेंज की 4 और रॉयल स्टैक की 6 पेटियां जब्त की है। शहर में नगर परिषद प्रशासन की ओर से तेजादशमी के मौके पर आयोजित की जाने वाले 4 दिवसीय ऐतिहासिक तेजा मेले के सफल आयोजन की मन्नत को लेकर गुरुवार को नगर परिषद मेला समिति के सदस्यों ने शुक्रवार को सूरजपुर गेट बाहर स्थित श्री प्रसन्न गणपति मंदिर में पहुंचकर भगवान श्री गणेश को मेले में रिद्धि सिद्धि और लाभ शुभ सहित पधारने का आह्वान करते हुए मेले के सफल आयोजन की मन्नत मांगी। इस दौरान समिति सदस्यों ने भगवान गणेश को मोदक का प्रसाद भी चढ़ाया।
एसडी महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर आयोजित उक्त कार्यक्रम में उपस्थित छात्र पदाधिकारियों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नाम वापसी के दौरान प्रत्याशियों पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। एसडी महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए एबीवीपी के आदर्श बाबेल, हिमराज कुमावत और करण चौधरी का अजमेर रोड पर रिको हाउसिंग कॉलोनी में रोहित सिंह रावत ग्लेशियर ग्रुप के आवास पर स्वागत किया गया। इस दौरान तीनों पदाधिकारियों को माला पहनाते हुए मुंह मीठा करवाकर जीत के लिए बधाइयां दी गई। तो ये था साप्ताहिक टॉप 10 न्यूज बुलेटिन और इसी के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ इजे इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एसडी कॉलेज प्रशासन के खिलाफ अर्धनग्न प्रदर्शन कर जताया आक्रोश। छात्र संघ चुनाव नामांकन प्रक्रिया में लगाया मिलीभगत का आरोप। तैतीस सूत्री मांगों को लेकर सेवारत चिकित्सकों ने शुरू किया कार्य बहिष्कार आंदोलन। राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय के चिकित्सकों ने 2 घंटे तक किया कार्य का बहिष्कार। अवैध खनन के खिलाफ आरपीएस गीता चौधरी ने की छापामार कार्यवाही। एक अवैध खननकर्ता सहित भारी मात्रा में जब्त किए संसाधन। और गणेश चतुर्थी महोत्सव मेले में झांकियों को देखने उमड़े श्रद्धालु। देर रात तक चले मेले में गूंजता रहा देवा ओ देवा गणपति देवा।